आपका नाम देना चाहूंगा और जो प्रोफेशन उसका नाम देना चाहूंगा कि क्या इस पार्ट के इसमें आने के लिए और क्या करना चाहेंगे। मेरा नाम नदीम बख्शी है और लास्ट कुछ 5 साल से मैं मुंबई में हूँ और मैंने स्टार्टिंग किया था टीवी से, सावधान इंडिया से स्टार्ट किया था और आज काफ़ी बड़ी मूवी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो क्या इंस्पायर किया आपको उस फील्ड में आने के लिए और बताइए कि किसने आपको गाइड किया, मेंटोर किया और सावधान इंडिया में मिलना जो ब्रेक था कितनी बड़ी बात थी आपकी और किस तरह से चैलेंज फेस किया आपने इंडस्ट्री में आने के लिए? इंस्पायर तो मैं बचपन से ही था कि मुझे फैशन के इंडस्ट्री में कुछ काम करना है। देन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना खुद का एक बुटीक छोटा सा स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे कुछ इरफान शेख करके हैं, उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया और उसके बाद धीरे धीरे लोग सपोर्ट करने लगे। हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनके थ्रू मुझे कुछ अच्छी टीवीसी फिर मूवीज़ लाइफ ओके के साथ मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं। तो आपने क्या कोई ट्रेनिंग ली है, कोई प्रशिक्षण लिया है या फिर आपने किसी के अंडर में सीखा है? आपने बारे में किस तरह से आपने आपको निश्चय कि आपने डेवलप किया इसे फील्ड में आने के लिए? पहले तो मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, वहाँ मैंने 2 साल का कोर्स किया, फिर मैंने मनीष मल्होत्रा के साथ इंटर्नशिप किया था 3 महीने का। देन स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 लोगों ने सपोर्ट किया काफ़ी, फैमिली फ्रेंड्स। डिजाइन लुक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किस तरह का डिजाइन किया आपने सावधान इंडिया में, किस तरह से आपने उनके काम के लिए हेल्प किया जिससे उनकी शो को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली? सावधान इंडिया एक जैसे कि उसमें स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अगर वो विलेज का है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर वो शहर का है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके लुक को पूरा मैं कवर करवा करके हमने उसके लिए डिज़ाइन किया। मनीष मल्होत्रा की बात करें, मनीष मल्होत्रा के साथ इंटर्नशिप के इतने बड़े डिजाइनर हैं इंडिया के, क्या करते हैं वो कितना आपके लिए फायदेमंद रहा और किस तरह से आपको नॉलेज गेन हुआ उस दौरान इंटर्नशिप के दौरान? ऑब्वियसली इंटर्नशिप हम जब किसी के साथ करते हैं और बॉलीवुड के इतने बड़े जाने माने डिज़ाइनर हैं आज के डेट में, उनको कौन नहीं जानता, तो फिर उनके साथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बाकी तो अब जैसे जैसे आप काम करेंगे सीखना तो ज़िंदगी भर है। तो ये बताइए कि अभी आप एक प्रोजेक्ट शुरू हैं प्राइम मिनिस्टर की बात करें जिसमें एल्बम के काफ़ी अच्छा काफ़ी रियल लुक है जो रिजेम्बलेंस करता है मनमोहन सिंह को, क्या कहते हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे मिला, किस तरह से जुड़े हैं, कितनी बड़ी कामयाबी आपके लिए? मेरे लिए तो देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है, काम छोटा हो या बड़ा मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है, बस ये है कि मुझे काम करना है। उनके लुक के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि 2-3 न्यूज़पेपर में भी आया था, NDTV में भी आया था, तो उनका लुक आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेम टू सेम आइडेंटिकल दिख रहा है कि दोनों सेम ही दिख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ये प्रोडक्ट के बारे में कि जो आउट ऑफ जो कॉस्ट्यूम की बात करें, डिजाइन की बात करें, वो कितना ज्यादा फिल्म के सक्सेस में मायने रखेगा? बहुत मायने रखेगा। तो ओवरलुक अगर आप मूवी देखने के लिए जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है, आपको फील आएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ही बैठे हैं, उनका चाल ढाल, उनकी पगड़ी, उनका स्पेक्स, उनका कुर्ता पैजामा जो भी वो पहनते हैं कॉस्ट्यूम, वो सेम आपको वैसे ही फील कराएगा। तो ये भी आसान नहीं होगा, अभी आपके लिए रिसर्च क्या होगा, आपने काफी आपने देखा होगा उनका जो लुक्स है, वो चैलेंज जो फेस करना पड़ा आपको उनको डिजाइन करने में उस चीज को? हमने काफ़ी रिसर्च किया उनके ऊपर, कैसे वो चलते थे, कैसा उनका कपड़ा होता था, क्या कलर वो प्रेफर करते थे, जब वो इंडिया से बाहर जाते थे तो क्या पहनते थे, इंडिया में क्या पहनते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पहनते थे, तो वो सब चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च किया, देन उसका लुक जो है ओवरऑल मैंने रेडी किया। जैसे कि हम आपसे ये जानना चाहिए कि जो मनमोहन सिंह का जो किरदार है, एक फोटो लुक्स भी बाहर आ चुका है उनके, जो अनुपम जी जिस तरह से उन्होंने पहना तो पूरी तरह से रूपो रूप पूरे मनमोहन जी ही लग रहे हैं वो, तो कितना आपने इसके लिए रिसर्च किया, मतलब क्या आप मनमोहन सिंह जी से मिले या आपने इंटरनेट में रिसर्च किया कुछ उसके बारे में? नहीं, उनसे मिलना तो पॉसिबल नहीं है, वो आप भी जानते हैं, लेकिन हाँ उनके बारे में काफ़ी मैंने उनका वीडियोस देखा, यूट्यूब पे देखा, उनके जितने भी इंटरव्यूज थे वो हमने देखे, फिर उनसे एक्सपायर होकर के मैंने उनके लुक के ऊपर काम किया। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लुक्स उनका बाहर आ चुका है तो अनुपम जी का क्या रिएक्शन था इसको लेके? आप उनके ट्विटर पे जाएंगे,
इंस्टाग्राम पे जाएंगे, उनके पोस्ट को आप देखेंगे तो वो बहुत खुश हैं और वो हर एक पिक्चर अभी शेयर कर रहे हैं तो वो काफ़ी खुश हैं। फिल्म आ जाएगी, कुछ बताना चाहिए? सॉरी, फिल्म कब तक आ जाएगी? ये 21 दिसंबर रिलीज डेट है। ये भी जानना चाहूँगा फैशन वर्ल्ड के बारे में, आजकल काफी बदल रहा है फैशन वर्ल्ड, देखिए मतलब इको फैशन आ रहा है, तरह-तरह के फैशन आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है फैशन में? देखिए फैशन तो ऐसा है कि आप जो पहन ले वही फैशन है, फैशन रोज़ ही चेंज हो रहा है, हम उस चीज़ को कुछ अलग वे में लेकर के जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट इवेंट है, उसमें आपको मालूम पड़ेगा, मेरा एक छोटा फैशन शो होने वाला है, तो बहुत जल्द मालूम पड़ेगा मेरा न्यू कलेक्शन क्या है और क्या कलर है। हमने कलर एकदम ही टोटली अलग यूज़ किए हैं, कट उसमें अलग है। इंटरनेशनली फैशन डिजाइनर्स बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के तौर पर जाने जाते हैं, इंडिया में आपको क्या सिनेरियो लगता है कि जो डिजाइनर्स को उनका जो क्रेडिट देना चाहिए वो मिल रहा है, या और भी क्रेडिट देना चाहिए मीडिया की तरफ से, उनको ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए, या जो कुछ ही फैशन डिजाइनर है जिनको कि वो क्रेडिट मिल पाता है, वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, या वो उनको जो फेम चाहिए वहां तक मिल पाता है। बाकी जो छोटे डिजाइनर है उनको तो वो एक प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता, वो कब स्टार्ट करते हैं और कब उनका एंड हो जाता है पता ही नहीं चलता है, तो उनके लिए थोड़ा सा मीडिया को भी एक्टिव होना चाहिए। सर आप एक बात बताइए कि जैसे कि आप जब लुक बनाने की कोशिश करते हैं, डिजाइन देते हैं किसी दूसरे के चेहरे को, किसी दूसरे के चेहरे पर डिजाइन करना, तो कितना मेहनत होता है उस वक्त जब आप दूसरे का लुक दूसरे का चेहरा बनाते हैं? देखिए मेहनत तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ में मेहनत है। आप सपोज आप ही देख लीजिए, आपका ये लुक है और आपको मैं आमिर खान का लुक देने के लिए तो बाल से लेके आईज से लेकर के हर एक चीज़, कॉस्ट्यूम से लेकर के, कॉस्ट्यूम और लुक, इसके पीछे की तैयारी कितनी होती है, क्या माइंड में चलता है उसको? माइंड में यही चलता है कि पता नहीं ये हम कर रहे हैं कैसा लुक होगा, लोगों का क्या रिएक्शन होगा। लुक देने के लिए हम दे देते हैं लेकिन बाद में अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है उसका तो फिर हमें तकलीफ भी होती है, लेकिन तैयारी तो बहुत होती है। जिस तरह से मनमोहन जी के लुक को सराहा जा रहा है, वैसे ही एक और बायोपिक आया है जी संजू करके, हाँ उसका आपने लुक देखा है? मैंने लुक देखा है, काफी सिमिलर है, बाल का भी कॉस्ट्यूम का भी, जैसे मुन्ना भाई में उन्होंने कॉस्ट्यूम ऑरेंज कलर का पहना था उस टाइप से उन्होंने लिया है। जेल के अंदर बाहर जैसे निकला था वो जो कॉस्ट्यूम था वो उसने सेम करने की कोशिश की है, लुक काफी अच्छा है और मुझे पसंद आया। तो कितनी खुशी है जब सराहना होती है, आपकी सराहना हो रही है, लुक की सराहना हो रही है, तो आपके दिल में क्या खुशी है? ऑब्वियसली बहुत खुश होता हूँ कि कोई अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने काम बहुत अच्छा किया है, और फिर कहीं कहीं अगर वो काम अच्छा नहीं होता तो फिर तकलीफ भी होती है। आगे का क्या प्लान किया है आपने कुछ इसके बाद? आगे का प्लान ये है कि हमारी एक मूवी अभी साउथ की मूवी हम करने वाले हैं और ये बायोपिक है अम्मा, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, काफ़ी उस पर रिसर्च हो रहा है और हम ये लास्ट 6 मंथ से हम तैयारी कर रहे हैं इस मूवी की और बहुत जल्दी ये सामने आ जाएगा। हर किसी के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है, तो आप कुछ बताएंगे आपके पीछे किसका हाथ है और आपने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की और कैसे यहाँ तक आ गए? देखिए हाथ तो बहुत सारे लोगों का है, हमारे फ्रेंड बहुत सारे हैं उनका बहुत हाथ है, पेरेंट्स का योगदान बहुत ज़्यादा है, फिर इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सराहना रहा है, उनकी वजह से हम यहाँ तक अभी पहुँच पाए। आपका फैशन स्पेशलिटी क्या है, किस तरह के परिधान पे ज़्यादा आप फोकस करते हैं? देखिए हम इंडियन और वेस्टर्न दोनों पे फोकस करते हैं, क्योंकि इंडियन जो है एथनिक जो है वो हमारे कल्चर में है, तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम उस पर ही कुछ अच्छा कर पाएँ, बाकी अभी चलन वेस्टर्न का है तो वेस्टर्न पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हर आदमी की सोच अलग होती है, आपने यही चीज़ क्यों चुनी, बचपन से शौक था कि आप यही करें, डिज़ाइन करें, फेस को डिज़ाइन दें, या कुछ और था माइंड में? सी बचपन से क्या था, जब स्कूल में था तभी स्केच करने का बहुत ज़्यादा शौक था और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन करना, उसको स्केच से भरना, तो वो बचपन से ही था और धीरे धीरे वो पैशन बन गया। तो क्या विजन है, लास्टली ये पूछना चाहूँगा, क्या विजन है और किस तरह से देखते हैं अपने करियर को आगे बढ़ते हुए, और क्या ड्रीम्स है, क्या विजन है, और कितना ज़्यादा चैलेंज होगा आपको अपने आपको एस्टैब्लिश करने के लिए? सी चैलेंज तो बहुत है और आगे कई सारे फैशन शोज हैं और मेरा है कि लैक्मे तक पहुंचना है, एक अपना एक अलग अच्छा खासा नाम करना है, लोगों की नज़र में रहना है और मेहनत करना है। बस थैंक यू।